में गवर्नमेंट स्ट्रीट डिवीजन थे। दूसरा ये था कोमेन था, और प्राइवेटली टोटली आदमी नहीं आ सकता, इसलिए ये चीज इस बारे में नहीं सोचा कि हम शक्कर बाग जाएं, टूरिस्ट जो है टूरिज्म को बढ़ावा दें। आपके आने से ये जो है हुआ है, और उसके बाद रमन सर ने, तो मैं कहता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी हमारी तरफ से होगी हम भी करेंगे। छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं पहले से, चलो जो हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ तक कि इतनी हाइट पे हमें वहाँ पर तीन तीन चार चार जो है आइटम वहाँ पर मिलती थी, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब देसी घी का हलवा नहीं हमें मिलता था। और साथ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ये साथ बैठ के वहाँ पर बनाते थे, और बिलाल सबसे बड़ी बात ये है आज रजौरी डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लिया जाता है। अनएक्सप्लोर्ड लेक थी, तो बड़ा ही अच्छा एक इट वाज वेरी वेरी नाइस जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय डीडीसी सर, देन इकबाल सर, बिलाल सर, एडीडीसी पवन सर, इन सब की कंबाइंड एफर्ट से ओके हमें ये जो लेक्स देखने को मिली, तो इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपने ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी, बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी मतलब अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हमने नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर किया आप लोगों की हेल्प से, और मैं चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में भी इस तरह की ट्रिप ऑर्गेनाइज करें। और बस ये तरीके से उनमें जोश था, बहुत अच्छा काबिले उसको काबिल तारीफ था जो लोगों ने किया, तो उससे थोड़ा सा नंबर बढ़ गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस मैंने बोले मेन वही थे, बाकी आपके वाले जो छोटे वाले दूसरे वाले कुछ मैं नहीं बता सकता, उस वजह से थोड़ा सा पहले दिन और दूसरे दिन वाला जो था कार्रवाई उसी वक्त 10:30 बजे करीब हो गई जब मुझे पता चला कार्रवाई कर ली होगी। रास्ते में टफ भी था, लेकिन जब मैंने इनको देखा, इन लोगों को देखा, गैदरिंग थी उसकी वजह से सभी लोग कर पाए। अगर लोग कम होते, एक दूसरे का सहारा लिया, इन्होंने एक दूसरे का सहारा लेते हैं, सब लोग चल गए वहाँ तक, तो मिसमैनेजमेंट जो होती है वो होती है। ट्रैकर्स को थोड़ा बर्दाश्त भी करना है, मैंने भी किया, इन लोगों ने भी किया, लेकिन जो लेक्स देखी, जो ग्रुप मेरे साथ था उनने जब लेक्स देखी तो वो सारी थकावट इनकी ख़त्म हो गई। तो यही है स्टेप सारा, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तो बेसिकली पहुँच से हूँ, मैं स्पेशल इसलिए आया था ताकि मैं ट्रैकर्स को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रजौरी से हैं यासीन मलिक, उनने बहुत एक्सप्लोर किया है रजौरी को, और मैंने भी पहुँच साइड से बहुत एक्सप्लोर किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमें थोड़ा स्पॉन्सर भी करें अलग अलग जगहों पर जब हम जाते हैं हमारा वहाँ पे पांच के हमें काफ़ी और ज़्यादा लेक्स देखने को मिली जो कि अराउंड 14,000 फीट पे है। वहाँ पे ये ऊंचे पहाड़ों पे ये लेक्स जो है अपने आप में एक बात रखती हैं सर। ये लेक्स मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए तो लोग कश्मीर में या साउथ इंडिया या जहाँ जहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं सर, वो चीज़ें लोग छोड़ के यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी के इस चक्रमर्ग प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे। जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल, जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आप लोग ठीक हो गए, मतलब आपको उतना हाँ बैठ जाए कोई बात नहीं, बैठ जाइए, उसे इधर बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ भैया, वो यहाँ से बैठो यार, आजा पीछे आजा। तो और उस टाइम में सब लोग तीन दिन काम, 7 महीने और 22 दिन मुझे हुए थे, तो जो मैंने सारी चीजें तब तक सुन होता है। और मैं डीसी साहब, एडीडीसी साहब के सामने पब्लिकली एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ फौजी, आई वांट टू एक्सेप्ट वन थिंग, that
the FOPA which happened on the day one, that mistake was mine and my team's. And I very sincerely and profoundly apologize for the inconvenience caused to the trekkers. And I also promise you, young trekkers, young adventure enthusiasts, and also elderly people, I promise you that next time I will ensure, doubly ensure, कि दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो मुझसे या मेरी टीम से. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, नंबर वन. नंबर टू, हैविंग डन दैट मिस्टेक या जो भी वो गलती हुई उसके बाद, सर आई मस्ट एक्सेप्ट दैट योर टीम हैज बीन सो मच इन्वॉल्व इन हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग अस, एंड द सक्सेस ऑफ दिस एक्चुअली एंटायरली गोज टू द टीम विच वॉज controlling from the base in Rajouri over here and pushing things up. दिन आप लोगों को एक टास्क दिया गया था स्पेसिफिकली जो टफ था, और दूसरा दिन ताकि जो होता है जो खट्टा मीठा होता है ना, ये बहुत याद रहता है दूर तक देर तक. तो आपको थोड़ा सा परेशानी टफ रहा, लेकिन खूबसूरती और बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देखी. और दूसरा ये होता है कि विनर्स नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. जो जीतने वाला होता है वो क्विट नहीं करता है, और जो क्विट करता है वो कभी जीतता नहीं. ये एक लफ्ज उसमें, वो भी एक ट्रायल था. वो लोग भी जो लोग पहले दिन थोड़े से क्विट कर गए उनको भी शाबाशी है, उन्होंने अच्छा है किया और वो लोग आए. लेकिन आप लोग विनर्स हो जिन्हें लास्ट तक टास्क पूरा किया. खूबसूरती है और यहाँ टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है. यहाँ के पब्लिक की बहुत डिमांड थी, मुझे 8 महीने हो गए आज ज़िले के अंदर, और यहाँ लोग चाहते हैं कि सतसर जो सेवन लेक्स हैं वहाँ उनको टूरिज्म पोटेंशियल उनका एक्सप्लॉइट किया जाए. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने ये प्लेज लिया था कि हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ तिरंगा झंडा जो है वो लहराएंगे सतसर पे जाकर लेक्स के. 14,000 फीट की ये चैलेंज था. कुछ चीज़ें उसमें रिजर्वेशन थी और कुछ हमें कंसर्न्स थे, लेकिन जब लोगों का मैंने वलवला देखा और जोश देखा खास करके यूथ का, तो हमने बड़ा कैलकुलेट करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, फाइनली हमने ये फैसला किया कि लोगों को रोकना नहीं है, इनको जाने देना है. और मैं मशहूर हूँ कि यहाँ बहुत सारी एजेंसीज़ जिसमें डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वह गए और इस टूर को सक्सेसफुल बनाया है. आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि 500 से 600 लोग पहली बार इतने ट्रैकर्स का ग्रुप जो है इस ज़िला के अंदर या इस स्टेट के अंदर यूटी के अंदर कहीं इतनी हाइट के ऊपर गए हैं. और आज 186 जो है वो लोग आए, बाकी लोग पिछले कल आए थे. आज ये 4 दिन के बाद ये वापस आ रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वहाँ उन्होंने सेलिब्रेट किया है. स्वच्छता अभियान जो है वहाँ साफ़ सफाई की है, और जो फीडबैक दिया है उससे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड क्लास का टूरिज्म एक जो है लोकेशन हमारा एक्सप्लॉइट हो सकता, बन सकता है. टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से किस तरह का कदम है ये? ये एक तहरीकी कदम है और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम हुआ है कि कहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑप्शनल तौर पर लोगों को भेजा है और इतने सारे लोग नंबर में लोग गए. सर राजौरी के अंदर पहली बार इस तरह की ट्रैकिंग हुई है जिसमें जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो ट्रैकर्स थे उन्होंने इसमें भाग लिया, क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज था और वहाँ तक इतना बड़ा अरेंजमेंट करना किस तरह से पॉसिबल हो? ये बहुत हमें चैलेंजिंग था. पहले दिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन, जो ऑपरेटर थे हमारे ये जो लोग असाइन किया था जिनको, थोड़ी सी दिक्कत रही. लेकिन दूसरे दिन जो है लोगों को कम्फर्टेबल बनाया गया था. यहाँ पोनीज और पोटर्स के थ्रू जो है सामान भेजा गया और मेडिकल टीम साथ थी, और ज़िला की पुलिस जो थी SP मैडम ने यहाँ SOG अपने साथ में लोगों को असिस्टेंस के लिए, DSP साहब साथ गए थे, एडिशनल DDC साहब जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और वो कैंप इंचार्ज थे. इसके अलावा यहाँ केरला से लोग, दिल्ली से लोग, रियासी और बाकी जम्मू से. क्या
क्या बताएंगे, ये इतना बड़ा जो है ट्रैकिंग जो यहाँ राजौरी के अंदर पहली बार हुई है, तो क्या कहना आपसे? देखिए, राजौरी के इतिहास में पहली बार 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव करके मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में पहली बार हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन लगाया गया, और इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में देश भर से लगभग 400-500 ट्रैकर्स आए यहाँ पर, और 14,000 फीट की ऊंचाई थी जहाँ जाना था, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाके तिरंगे को लहराया। मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था देश भर के अंदर। ये 75 वर्ष की हमारी आज़ादी के जितने भी हमारे नायक हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, उनको समर्पित था ये कार्यक्रम। और ट्रैकर्स जब यहाँ आए और यहाँ घूमे तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एरिया इतना पोटेंशियल एरिया है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी तक इसे एक्सप्लोर नहीं किया गया। डीसी राजौरी राजेश कुमार शवन जी के प्रयास थे कि उन्होंने ये ट्रैकिंग एक्सपीडिशन सारे चैलेंजेस को देखते हुए ऑर्गेनाइज़ करवाया, और ये सक्सेसफुल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन रहा। मुझे लगता है कि राजौरी टूरिज़्म के मैप में जब आएगा तो ये ट्रैकिंग एक्सपीडिशन रेड लेटर डे के नाम से जाना जाएगा, ऐसा पॉइंट जो राजौरी के टूरिज्म के इतिहास को बदलने वाला है। एक मर्तबा फिर मैं डीसी राजेश कुमार शवन जी और उनकी टीम और सभी ट्रैकर्स को बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल किया। किस तरह का एक्सपीडिशन? तो देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम आकाशदीप सिंह है और मैं रियासी से आया हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे यहाँ के डीसी साहब हैं, उनका जो एडिशनल डीसी साहब हैं, स्पेशली जो बिलाल साहब हैं उनका, क्योंकि जो हमारा जो उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हमें पता नहीं था कि जो हमारे पीर पिनल रेंज में जो 7 लेक्स हैं हम उन्हें एक्सप्लोर करें। हम यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छा लगा, हमें वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, तो स्पेशली दलार एक्चुअली जो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डे का बेस कैंप लगा था, तो वहाँ के लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, जब हम वापस आ रहे थे ऊपर से तो उन्होंने हमारा मतलब कि अच्छे से स्वागत भी किया। जब हम नीचे थाना मंडी में पहुँचे, आई थिंक वही नाम उसका थाना मंडी में पहुँचे, तो वहाँ पर हमें हारों से हमारे गले में हार डाले गए, मतलब कि जिस तरह से मतलब कि इतना अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ हमें कि हम बयान नहीं कर। शुरू का सफर था, पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने उसकी नोटिफिकेशन निकाली कि हम इस दिन इस डेट को यहाँ से आपका ट्रैकिंग जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा, उसका फिल फॉर्म फिल करने के बाद पूरा जो प्रोसीजर था उसके बाद ये ट्रैक स्टार्ट हुआ। मतलब जर्नी हमारी ट्रैकिंग से पहले ही स्टार्ट हो गई थी कि जब हम अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। तो पहला हमारा दरहाल पे बेस कैंप रहा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रहा, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने जब सुबह 11 बजे यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की, उसके बाद रास्ते में हमें लंच प्रोवाइड हुआ, उसके बाद शाम को हम जब वहाँ पे जाके पहुँचे तो उसके बाद उस वादियों में रहने का जो मौका मिला वो एक अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए, क्योंकि हमने सुना था कि पुंछ को भी सेवन लेक कहा जाता है, सिटी ऑफ सेवन लेक कहा जाता है, ये चीज़ मैंने सुनी थी कि, पर हमको मालूम नहीं था कि क्यों कहा जाता था। ये स्टोरी भी मुझे वहीं जाके वहीं के लोकल गाइड हैं जो उनसे ही मालूम पड़ी है कि ये उसकी मेन वजह रहती है कि वहाँ पे जो लेक्स हैं और लेक्स एक से बढ़कर एक हैं, आपको देखेंगे एक का रंग काला, एक का डिफरेंट शेड दे रही है, और एक बिल्कुल ब्लू है एक, और उनका पानी एक का शुपिनिया डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में जा रहा है और कुछ का यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। मतलब देखना चाहिए, आपको उस रेंज पे जाओगे वहाँ की हवा जो फील है, मतलब वहाँ पे ठंड इतनी इस हिसाब से वहाँ पे ठंडा की जो दो जैकेट लगाने के बाद भी हमें ठंड लगा। हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि राजौरी में हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिले हैं जिनका यही लक्ष्य है कि डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट। जहां एक तरफ इन्होंने कॉम्युनल हार्मनी में काम करते हैं, दूसरी तरफ डेवलपमेंट में काम करते हैं, तीसरी तरफ इनका ये है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कैसे हाईलाइट किया जाए, लोगों के बीच में आए, ताकि देश विदेश से पर्यटक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आए। पिछले दिनों में एक बॉम्बे से इनकी टीम आई, जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस थे वहाँ पर इन्होंने भ्रमण किया, वहाँ की कवरेज ली और धीरे धीरे उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद पहली दफ़ा ये जो हमारी सेवन लेक्स है दरहाल में, शक्करमर्ग होगी, रतन सर हो गया, नंदन सर हो गया और भी सर हैं, पहली दफ़ा यहाँ से ट्रैकर्स भेजेंगे 4 दिन का टूर, वो भी 4 दिन के टूर के लिए भेजेंगे। आप देख सकते हो कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर 4 दिन का टूर भेजना और उस टूर को सक्सेस करना, पहले दिन एडजस्टमेंट करने में कहीं भी आप अगर हम किसी घर को शिफ्ट करते हैं, नए घर में जाना है, वहाँ भी हमें थोड़ी परेशानी आती है। ये तो एक आइसोलेटेड प्लेस है, जंगल है, वहाँ पर एक पूरा अरेंजमेंट करना, थोड़ी बहुत बच्चों को परेशानी आई, मगर नहीं, बच्चों उसको भूल गए।
वहाँ के अरेंजमेंट को देखकर बच्चे वहाँ भूल गए, और सेकंड डे जब उनको लगा कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त लोगों को चिकन खाने को मिल रहा है, मैगी मिल रही है और जो चीज़ें घर में खाते हैं वो वहाँ पर मिल रही है, तो लोग इंजॉय, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के LG साहब को, जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छे बेहतरीन DC भेजे हैं। पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो एडिशनल DC साहब है, ACR साहब हैं, जितनी भी इनकी टीम है, यहाँ पुलिस की जो टीम है, बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। तो हमें लगता है कि DC साहब को इतनी ताकत यहाँ की सरकार दें कि DC साहब निडर होकर यहाँ पर काम करें। पुष्पिंदर जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से एक युवा को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश, और ख़ासकर ऐसी लेक्स पर देखेंगे तो एक जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि DC साहब ने टूरिज्म को बढ़ावा तो देना ही देना है। जो यहाँ के नौजवानों में टैलेंट्स है, किसी भी भाषा के लोग हैं, किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो टैलेंट उभार सके, उनके लिए यहाँ पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, कैंप्स लगे हैं। हिमाचल से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं जिन्होंने अपनी कला को प्रस्तुत किया है। DC साहब का एक ही लक्ष्य है कि जो यहाँ के लोगों में टैलेंट है उनको उजागर किया जाए, देश विदेश में रजौरी का नाम ऊंचा किया जाए। हम परमपिता परमात्मा से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि DC साहब को इतनी ताकत दी जाए कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसी तरीके से काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं कहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि रजौरी के अंदर पहली बार ऐसे स्टेप उठाए गए कि ट्रैकिंग पूरे हमारा जो पीर पंजाल खिता है वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी लेक्स हैं, और यहाँ से जो ट्रैकर गए हुए हैं उसमें मेरा भतीजा है, उसके दोस्त हैं, मुझे एक दिन छोड़ के उनसे बात हुई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डिप्टी कमिश्नर रजौरी को और दराल के लोगों को जो जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। एक शाम जो दराल के अंदर थी, मैं वहाँ खुद गया था, मन खुश हुआ कि वहाँ रात को 9:30 बजे अच्छा संगीत चल रहा है, लोग गज़लें गा रहे हैं। दराल के लोगों की बात कर रहा हूँ, और पूरे उसी एरिया में हवा में तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं सभी जगह पर। मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी को, जितने दराल के लोग, वहाँ के बच्चे बच्चियों को, लोगों को, खासकर वहाँ के लीडरों को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। मुझे लगता था कि दराल का कोई भी आदमी आज अपने घर में नहीं है, इस प्रोग्राम में है, और डिप्टी कमिश्नर रजौरी और उसकी पूरी टीम मुझे लगता है कि 11 बजे तक उस प्रोग्राम में रहे, और 9:30 बजे मैं हमारी पूरी टीम जो रजौरी से गई हुई थी वहाँ से वापस आए। साथियों, ये पहला डिप्टी कमिश्नर है रजौरी के अंदर जिसने ये दिखाया कि रजौरी कितना खूबसूरत है, चाहे वो दराल हो, पुंछ का एरिया हो, रजौरी का एरिया हो, कोई भी एरिया हो। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि जो टूरिस्ट कश्मीर की तरफ जाता था वो इस तरफ भी आए, बड़ी खूबसूरत जगह है। और मुझे दुख हो रहा है उन लोगों को जो लोग रजौरी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गलत सोशल मीडिया पर जो चढ़ाया जा रहा है। मेरे भतीजे ने मुझे बताया कि ये एक बेहतरीन टूर है शक्करबर के अंदर, जब उसके अंदर डॉक्टर की पूरी टीम से खाने पीने का अरेंजमेंट एक क्लास है, ITBP के जवान उनके साथ हैं, मतलब सिक्योरिटी की बात करें एक क्लास, खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे एक क्लास, टेंट एक क्लास, ब्लैंकेट एक क्लास। मैं कहता हूँ इस तरफ इन दिनों में मूंगफली से लेकर उनकी ब्रेड, एग्स और सो मेनी थिंग्स, बच्चे खुश हैं टेंटों में और एंजॉय कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे जब वापस आएंगे, मैं मुबारकबाद भेज देता हूँ खुले दिल से डिप्टी कमिश्नर रजौरी जनाब राजेश कुमार शर्मन जी को, जिन्होंने पिछले दिनों में भी रजौरी के अंदर प्रोग्राम किया, बाबा गुलाम शाह जवासा के यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोग्राम किया, और ये एक खुला उनका एक विजन है कि रजौरी, जब तक मैं रजौरी में, रजौरी की डेवलपमेंट हो, टूरिस्ट आए, लोगों के रोजगार बढ़े। क्या मानते हैं कि पहली बार इस तरह का एक ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया, इतनी बड़ी ट्रैकिंग जो है इतने लोगों की करवाई जा रही है, इससे पहले इस तरह का एक बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया? अगर शुरुआत सिर्फ आगाज होना चाहिए, उसका अंजाम भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन शुरुआत में ही लोगों का इस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करना। मैं अपने शहर के अंदर मैंने वो चीज़ देखी नहीं, मैं देख के आया हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। आओ कोई भी आदमी हमारे रजौरी शहर को या हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करे। मैं कोई चीज़ें देखता हूँ इस डीसी रजौरी के अंदर, जनाब राजेश कुमार शर्मन जी के अंदर इतना पोटेंशियल दे दिया है, इतना काम करने का उनके अंदर दम है, सिर्फ उनके साथ उनके साथ ही खड़े हो जाए। मैं अंकुश जी, अंकित जी और हमारे जो राकेश जी, मैं आपके बात बताऊँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
जनाब पवन कुमार जी और यहाँ का बेहतरीन एम्प्लाई मीर साहब, क्या नाम है उनका, बिलाल मीर जी, आज भी वहाँ पर है बच्चों के साथ, कोई कमी ना आए बच्चों के अंदर, घोड़े हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। मैं कहता हूँ ना तो होगा, उंगली उसी पर उठती है जो आदमी काम करता है, उसी पेड़ पर पत्थर बजता है जहाँ फ्रूट लगा हो। मुझे दुख है उन लोगों का, वो कौन से लोग हैं, क्यों ये कर रहे हैं, उनको उनका क्या प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ आज वो डीसी साहब 80% सक्सेस हुए हैं, मैं तो 100% कर रहा हूँ लेकिन 80% हुए हैं, हम उनको और उनके साथ खड़े हुए ताकि आने वाले दिनों में 100% डेवलपमेंट काम रजौरी के अंदर हो। हमारे नौजवानों को जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो ट्रैकिंग करें, खेलें और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया, जय हिंद।